हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों के अपने YouTube चैनल टेक मी ऑफिशियल में। दोस्तों आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और खुश इस बात का है दोस्तों क्योंकि मैंने अपना पहला पेमेंट YouTube की तरफ से रिसीव कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं आपको और बता दूं कि मैंने अपना पहला पेमेंट YouTube की तरफ से रिसीव कर लिया है और इसका 100% क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरी मदद नहीं करते, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, अपना प्यार नहीं दिखाते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तब जाके मैं इस चीज़ को कर पाया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कितना YouTube से पेमेंट रिसीव किया है और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि उन पेमेंट को रिसीव करने में मेरे को कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कितना दिन लगा है, जो कुछ भी हुआ दोस्तों हर कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है। अगर आप YouTube पे काम करते हैं या फिर काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टार्टिंग डे में मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम से लेकर आज तक मैंने कितने सारे स्ट्रगल किए, कितना सारा कुछ मैंने किया, तब जाके आज वो दिन आया है जब मैंने अपना पेमेंट YouTube की तरफ से रिसीव किया है और मैं इस खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या था कि मैं बहुत टाइम से काफी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करता था, खासतौर पे मैं वैसे यूट्यूबर को फॉलो करता था जो यूट्यूब के सारे एल्गोरिदम टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते थे और मैं देखता था कि वो अपने वीडियो में किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कैसे वो चीजों को सिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे को भी लगता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी काफी सारे चीजों का नॉलेज था तो मेरे को भी लगता था कि मैं यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ और मेरे को भी यूट्यूब पे आना चाहिए। और दोस्तों मैं काफी सारे चीजों को सोचकर नहीं आ पाता था कि मेरे पास एक अच्छा DSLR नहीं है, मेरे पास एक अच्छा ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, ना ही सेटअप है। तो मैं थोड़ा सा वहां पे डीमोटिवेट हो जाता था और मैं अपने चीजों को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों 2020 का जो स्टार्टिंग फेज था लॉकडाउन का, उस समय मैं काफी ज्यादा खाली था, मेरे पास कुछ भी काम नहीं था और मेरा दिमाग इधर उधर भटक रहा था। तो दोस्तों मैंने उस समय ही अपने आप को प्रिपेयर किया और मैं सोचा कि अब मेरे को YouTube पे आना चाहिए। काफी समय बीत चुका था तो मैंने सोचा कि नहीं, अब बहुत देर हो चुका है, अब मुझे YouTube का स्टार्ट करना चाहिए, भले मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है। और दोस्तों उस समय 31 अप्रैल को मैंने अपना पहला वीडियो शूट किया। दोस्तों आप मानो या ना मानो, मेरे को उस समय अच्छे से बोलना तक नहीं आता था कि कैमरे के सामने आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। इवन मेरे पास एक अच्छा सा ट्राइपॉड नहीं था, एक अच्छा सा माइक भी नहीं था, फिर भी मैंने अपने वीडियो को वहां पे शूट किया, अपलोड किया और मैं ज्यादा कुछ सोचा ना समझा कि लोगों का कैसा रिएक्शन होगा, लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, मैं अपने वीडियो में क्वालिटी दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। फ्रैंकली दोस्तों मैं बोलूं तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, अमेजोन से एक ट्राइपॉड को सिंपली ऑर्डर कर दिया था जिसका प्राइस 300 था। मैं आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं यही वो ट्राइपॉड है जिसे मैंने अमेजोन से बाय किया था और इसी से मैं अपने वीडियो को शूट कर रहा था। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे पास उस समय एक अच्छा सा माइक भी नहीं था और मैं अपने वीडियो में वॉइस कैसे करूं ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक से मैंने एक यूट्यूबर्स की वीडियो देखी और मेरे को पता चला कि मेरे पास जो एयरफोन है मैं उससे भी माइक के थ्रू यूज कर सकता हूं। तो दोस्तों मेरे पास उस समय ये सैमसंग का एयरफोन्स था, आप यहां पे देख सकते हैं ये जो मेरा एयरफोन है वो ब्रेक भी हो चुका है दोनों तरफ से, मैंने यहाँ पे फेविक्विक का यूज कर रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता था, इसी को अपने फोन में 3.5 mm का जो जैक है इसी को अपने फोन में डाल देता था, ओपन कैमरा का यूज करता था और इसको यहाँ पे अपने कॉलर में लगा लेता था और वीडियो को शूट करता था। तो दोस्तों आप देखो कि मेरे सामने कितनी सारे प्रॉब्लम्स थी, मेरे पास एक अच्छा ट्राइपॉड नहीं था, मेरे पास एक अच्छा माइक नहीं था, इवन मेरे को इतना भी नहीं पता था कि यूट्यूब को कितने सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। फिर भी दोस्तों मेरे अंदर एक जुनून था, मेरे को करना था, मेरे को वीडियो बनाना था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐसे करते करते दोस्तों मैंने काफी सारे वीडियो अपलोड कर दिए, थोड़े बहुत व्यूज आते थे, उतना अच्छा व्यूज नहीं आता था। अब व्यूज आएगा भी क्यों, क्योंकि मैं उस समय अच्छे से बोल नहीं पाता था, अपने कॉन्टेंट को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता था और मैं व्यूअर्स को क्या समझाना चाहता था ये भी मेरे को अच्छे से नहीं पता चलता था। दोस्तों आप ये सब बात को छोड़िए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं कंप्यूटर साइंस से मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मैं जॉब भी कर चुका हूं एक साल, उसके बाद मैं घर आ गया था और लॉकडाउन में बैठा हुआ था, मैंने आपको बताया कि उसमें मैं वीडियो को स्टार्ट कर दिया था बनाने के लिए।
तो दोस्तों मेरे वीडियो को काफी सारे लोग थे जो देखते थे, जैसे कि मेरे गांव के काफी सारे लोग थे, मेरे फैमिली के रिलेटिव्स थे, और उनको लगता था कि ये लड़का नौकरी छोड़ चुका है, अपने पढ़ाई को छोड़ चुका है, इसका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है और अब ये वीडियो बना रहा है, अपने लाइफ में आगे क्या करेगा। तो काफी सारे दोस्तों मेरे को टोंट मारते थे, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे वो भी मेरे को टोंट मारते थे, हमेशा चिढ़ाते थे कि वीडियो बनाता है क्या करेगा नहीं करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट दोस्तों मेरा एक पैशन था, मैं वीडियो बनाना चाहता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं इस वीडियो के थ्रू अर्निंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं जानता था। बट दोस्तों मेरा एक अंदर से जुनून था कि मुझे वीडियो बनाना है तो बनाना है, मुझे वही सोच के दोस्तों मैं वीडियो बनाता चला गया। काफी सारे लोगों ने मेरे को टोंट कसा, मेरे को बहुत सारी बातें बोली, बट मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करता था। मैं अंदर से सोचता था यार कि मैं जिस दिन कुछ अच्छा कर लूंगा तब खुद ये लोग मेरे से बात करने आएंगे और मेरे को खुद ये लोग शाबाशी देंगे, मेरे को बोलेंगे यार तू तो अपने लाइफ में सक्सेस हो चुका है, और मैं उसी दिन का अभी भी इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों आप सकता है दोस्तों आप भी वीडियो बनाते होंगे यूट्यूब पे और आपकी वीडियो को कुछ लोग देख कर इस तरह टोंट कसते होंगे, आपका मजाक उड़ाते होंगे, बट यहाँ पे दोस्तों आपको उस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है, आपको करके दिखाना है। अगर आपने वीडियो करनी स्टार्ट की है तो आपको एक अच्छे मुकाम को हासिल करना है। एक दिन अगर आप अच्छे मुकाम को हासिल कर लोगे तो वही लोग जो आपको टोंट कसते हैं या फिर आपको भला बुरा कहते हैं, वही लोग आपसे बात करने आएंगे और आपसे पूछने आएंगे कि यार तुमने ऐसे कैसे कर लिया, इतने सारे अच्छे खासे तुम पैसे कमा रहे हो, या फिर जो कुछ भी दोस्तों वही लोग आपसे बात करने आएंगे। तो आपको अपना काम करना है, मेहनत से काम करना है, जुनून के साथ काम करना है, ताकि जो कुछ भी आप सोच रहे हो उस सपने को आप पूरा कर सको। क्या था दोस्तों, अंदर से जुनून भरा हुआ था, मैं काम करता चला गया करता चला गया। एक दिन पता चला कि मेरे को नोटिफिकेशन आता है YouTube की तरफ से कि आपका जो चैनल है वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो चुका है, यानी मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो मैं सिंपली अपने लैपटॉप को खोला और वहां पे मोनेटाइजेशन के पेज पर गया और सिंपली अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद दोस्तों मेरे को एक एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ा। एडसेंस के अकाउंट बनाने के बाद ही दोस्तों मेरे चैनल पे एड चलने शुरू हो गए, और उस समय मैं उस खुशी को फील कर पा रहा था जब मैं दूसरी वीडियो को देखता था तो वहां पे जब एड चलते थे तो मेरे को भी लगता था दोस्तों कि कब वो दिन आएगा जब मेरे भी वीडियो पे वहां पे एड चलेंगे, और वो दिन आ चुका था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मेरे एडसेंस अकाउंट पे $10 क्रेडिट हो चुका था। $10 क्रेडिट होने के बाद दोस्तों आपको अपना आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना होता है, तो मैंने झट से अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, अप्रूव भी हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको पहला पेमेंट लेने के लिए आपको $100 कंप्लीट करने होते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग 2 months या 3 months में ही मैंने अपना $100 कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इस बात की थी कि मेरे पास एक अच्छा बैंक अकाउंट नहीं था, खासतौर पे प्राइवेट बैंक, जहाँ पे मैं अपने चैनल को लिंक कर पाऊँ, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्विफ्ट कोड की प्रॉब्लम आती है, और मेरे साथ भी ये हो रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद मैंने अपना ICICI बैंक में बैंक ओपन किया। बैंक ओपन करने के बाद मैं वहाँ पे मैनेजर से जाके स्विफ्ट कोड मांगा, उन्होंने मेरे को दिया, और जैसे ही दोस्तों मैंने अपने स्विफ्ट कोड को डाला, अपने पेमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ डाले अपने एडसेंस पेन पे, तो वहाँ पे जो मेरा पेमेंट था वो 2 दिन के बाद रिलीज कर दिया गया। तो जब मेरे को यूट्यूब की तरफ से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट्स में इतने इतने डॉलर क्रेडिट किए गए हैं, तो दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि उस समय मैं किस खुशी को महसूस कर पा रहा था। जब मैं अपनी पहली जॉब को वहां पे ज्वाइन किया था और मेरे को फर्स्ट सैलरी आया था, उससे भी ज़्यादा मेरे को यहां पे खुशी मिला था दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा कंटिन्यू 1.5 साल यूट्यूब पे मेहनत किया हूँ, तब जाके मेरे को पहला पेमेंट रिसीव हुआ है। तो ये जो खुशी है दोस्तों वो मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और अंदर से मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खुशी को महसूस कर पा रहा था। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने YouTube से अपना पहला पेमेंट कितना रिसीव किया है। ऊपर में आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट OnePlus 9R का है। मैं आराम से अपने पेमेंट से इसे बाय कर सकता हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अपना पहला पेमेंट कितना रिसीव किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि अगर आप YouTube पे काम कर रहे हैं, चाहे आप बिगनर हो या फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो आपको कहीं भी डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी आपको बोलता है कि यार वीडियो बना रहा है क्या करेगा, वीडियो से इसका घर चलेगा, या फिर जो कुछ भी वो बोल रहा है आपको इग्नोर करना है। वही लोग बोलते हैं जिनको अपना खुद पता नहीं होता है, ना ही इनको वीडियो मार्केटिंग की पोटेंशियल के बारे में पता है कि आज की दुनिया में
वीडियो का कितना पोटेंशियल है। आप सभी को पता है आजकल कुछ भी चीजें ट्रेंड करने लगती हैं, वायरल हो जाती हैं और वो बंदा या फिर बंदी रातों रात फेमस हो सकता है। तो आपका भी दिन बदल सकता है, आप भी मेहनत करते रहिए। कब क्या किसे पता कि आप भी किसी दिन वायरल हो जाएं, आप भी किसी दिन फेमस हो सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूं। मिलते हैं फिर आपसे कुछ इस प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।